वापस आ चुके हैं इस आर्टिकल में, और हमने ये वाला हेलो वर्ल्ड ना सिर्फ हमने सैंडबॉक्स में बना लिया है, बल्कि हमने CLI के थ्रू अपने मशीन में बना के उसको बिल्ड करके और फायरबेस होस्टिंग पे उसको होस्ट भी कर दिया हमने। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ये योर टर्न वाला काम आई होप कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या कह रहा है बात, डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स। लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप टू लर्न हाउ टू मेक योर रिएक्ट कंपोनेंट डायनेमिक एंड रीयूजेबल। बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ टू डू दिस इन रिएक्ट, पहले चेक करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अगर यही काम करते तो वो हम कैसे करते। जैसा कि जिक्र किया गया था कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है इट इज़ जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो ये आपके सामने एक फंक्शन बना हुआ है जावास्क्रिप्ट का, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा हाई डेव। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको बनाना है रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब है कि अभी तो बंदा है डेव जिसको मैं ग्रीटिंग कर रहा हूँ, कल को कोई और बंदा होगा तो मैं उसमें भी यही फंक्शन इस्तेमाल कर सकूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल, इतनी छोटी है कि नॉन प्रैक्टिकल है, ठीक है, लेकिन स्टिल एग्जाम्पल सही है। अब हाई डेव है, अब अगली दफ़ा इसमें मलिक आएगा कोई, तो मैंने हाई मलिक उसको बोलना है, तो हाई मलिक बोलने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं कैसे रीयूजेबल बनाऊँ, इस फंक्शन में मैं पैरामीटर पास करूंगा, राइट, जो कि इन्होंने अगले यहाँ पे कोड में यहाँ पे ऐसे किया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर लिया हुआ है। अच्छा, ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन है, राइट, जब फंक्शन हम बना रहे होते हैं, फंक्शन की जब डेफिनेशन हम बना रहे होते हैं तो उस वक्त फंक्शन चलता नहीं है, ये सिर्फ बना रहे होते हैं हम कि यार जब चलेगा तो ऐसा होगा। ठीक है, अभी ये चल नहीं रहा, अभी सिर्फ ये बन रहा है। तो ये हमने कहा कि यार एक फंक्शन ग्रीट के नाम से है, उसमें एक पैरामीटर है और रिटर्न वैल्यू इसकी है हाई प्लस, और वो वैल्यू जो भी पास कर दो आप इसमें, यहाँ पे आप 6 लिख के पास कर दो तो 6 हो जाएगा, हाई 6 लिखा हुआ आ जाएगा, हाई मलिक लिख के पास करूँगा मैं तो मलिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जब ग्रीट के फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसमें मैं कोई एक नाम दे के कॉल करूँगा। ग्रीट के फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है, मैं लिखूँगा ग्रीट और उसके आगे लगाऊंगा कॉल सिग्नेचर। कॉल सिग्नेचर मतलब ब्रैकेट, गोल वाली ब्रैकेट ओपन क्लोज, हाँ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इसको हम कहते हैं कॉल सिग्नेचर। और कॉल सिग्नेचर के दरमियान में हम जो भी आर्ग्यूमेंट होगा इसका, जो भी पैरामीटर होगा वो हम पास कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये सब लोगों को एग्री है सब लोग इससे। अच्छा, नाउ यू कैन ग्रीट एनीवन जस्ट कॉलिंग द ग्रीट फंक्शन विद देयर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है आई वार्न्ड यू दिस पार्ट वॉज बेसिक, ये कह रहा है कि बेसिक चीज़ है, ये बहुत आसान चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है कि यार यही काम जो है रिएक्ट के कंपोनेंट में कैसे होगा, प्रॉप्स के जरिए होगा। ठीक है, अब प्रॉप्स के नाम से एक चीज़ है जो कि फंक्शन के पैरामीटर जो होते हैं इसी तरह से होता है, लेकिन उसको बोलते हैं प्रॉप। कह रहा है ये हो गया जी एक आपका सिंपल फंक्शन, यानी कि सिंपल कंपोनेंट, फंक्शन नहीं बोलेंगे उसको, हम कंपोनेंट बोलेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स के नाम से हम, अच्छा ये प्रॉप्स नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर में नेम नहीं, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, तो इसी तरह यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उसको अपने प्रॉप्स ही इसका नाम रखना है, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन ज़रा कन्वेंशन ये है कि लोग प्रॉप्स करके लिखते हैं इसके अंदर। और प्रॉप्स डॉट नेम करके ना मुझे कोई चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी, अभी प्रॉप्स डॉट नेम क्या चीज़ है देखो, और पास कैसे होगा फिर ये प्रॉप। फंक्शन में तो ये था उसको कॉल सिग्नेचर करके पास करते थे, अब देखो यहाँ से ना कहानी स्टार्ट है। पहले मैं लिखता था ऐसे करके कंपोनेंट को, अब मैं लिखूँगा ऐसे करके। इसमें ये चीज़ देख रहे हो, ये एट्रीब्यूट के जैसी दिखने वाली चीज़ जो है ना, ये JSX के अंदर इसको हम कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है, ये JSX है, ये HTML नहीं है, अगर ये HTML होती तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। JSX के अंदर एट्रीब्यूट के जैसे दिखने वाली जो ये चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स। अच्छा, अभी ये एक प्रॉप है, इसी तरह दो भी हो सकता है, जैसे HTML में एट्रीब्यूट मल्टीपल दे सकते हैं कि ID भी दे दी, क्लास भी दे दिया, नेम भी दे दिया, सही है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हम दे देते हैं। ठीक है, जो जो एट्रीब्यूट सपोर्टेड होता है खास एलिमेंट में उस पर हम वो पास कर देते हैं। तो इसी तरह इस पर मैं मल्टीपल प्रॉप्स दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है, भाई H1 के ऊपर कौन कौन से एट्रीब्यूट सपोर्टेड होते हैं, स्टाइल का है, H1 ID है, क्लास है, तो ये तीन हो गए। तो ये मुझे किसने बताया कि ये एट्रीब्यूट सपोर्टेड है, HTML5 के स्टैंडर्ड ने बताया, HTML5 की जो स्पेसिफिकेशन है उसने मुझे बताया,
कि भाई HTML5 में H1 का जो टैग होता है उसमें ये सारे एट्रीब्यूट एक्सेप्टेबल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रॉप्स एक्सेप्टेबल हैं ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा, क्योंकि ये किसने बनाया? ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला कि इसमें ये एक एक्सेप्टेबल है हाई नेम के नाम से। अच्छा, अब ये नेम जब मैं यहाँ से पास करूँगा, ठीक है, अच्छा अभी तो एक कर रहा हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दो या तीन हो सकते हैं ये, तो मुझे क्या मिलेगा? ये एक ऑब्जेक्ट की सूरत में मेरे कंपोनेंट के अंदर मुझे मिल रहा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट की सूरत में मेरे कंपोनेंट के अंदर मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, जब यहाँ पर ये प्रॉप्स का जो मैं पैरामीटर ले रहा हूँ ना, इस प्रॉप के पैरामीटर के अंदर मुझे क्या मिलेगा? एक अदद ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा? तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स की लिस्ट बनी हुई होगी, ठीक है। और जैसे नेम करके मैंने नीचे लिया हुआ, तो नेम करके मैंने उसको प्रिंट करवाया तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज़ और भी गौर करें कि ये जो इसने शुरू में जिक्र किया था कि ऐसे जी करली ब्रेसेस लगा के ना आप कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, तो ये जो मैंने इनपुट लिया हुआ है यहाँ से, ये दिस इज़ अ जावास्क्रिप्ट और ये इतना पार्ट JSX है, तो इतने पार्ट JSX के बीच में अगर मैंने प्रिंट कराना है तो मैंने इसको क्या करना है? ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर मैं करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखूंगा तो ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, एज अ जावास्क्रिप्ट इसको ये नहीं समझेगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। जो फंक्शन का जो पैरामीटर होता है, गौर से सुनो इस बात को, फंक्शन का जो पैरामीटर होता है वो असल में फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है। सब लोगों को एग्री है इस बात से? जब हमने फंक्शन पढ़ा था, शहजाद ने पढ़ाया था आपको, तो होपफुली ये बात डिस्कस हुई होगी कि फंक्शन के अंदर जब हम पैरामीटर लेते हैं तो वो पैरामीटर क्या होता है? वो असल में उसकी हैसियत जो होती है, वो फंक्शन के अंदर अगर मैं एक लोकल वेरिएबल बनाऊँ ना तो सेम हैसियत होती है उसकी। तो ये समझ लो प्रॉप्स के नाम से एक लोकल वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है वो, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट नेम करके मुझे कोई चीज़ मिल रही है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल को मैंने अगर कराना है तो मैं करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगा तो ये चलेगा, ठीक है। आ जाते हैं और अपने कोड में हम ये काम कर लेते हैं। हमने CV करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, इस CV को मैं क्या कर देता हूँ, एक कॉपी इसकी बना देता हूँ, ठीक है, और कॉपी बना के ना, कॉपी ज़रा कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं इसको रीनेम करूँ। अच्छा, इसको कॉपी होने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि नॉट मॉड्यूल वगैरह ज़रा प्रोजेक्ट का साइज़ थोड़ा सा जो है ना प्लेन HTML से जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है इसका साइज़, ठीक है जी। कॉपी मेरी कंप्लीट हो गई, तो कॉपी कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार ये है मेरा 1.hello world है, एक्चुअली ये सही है पहला वाला, और ये मेरा जो है ना ये वाला, ये है 2.props, क्योंकि इसमें हम प्रॉप्स को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या है? वो सेम प्रोजेक्ट ही है ये जो हेलो वर्ल्ड में था, उसी को अब हम इंक्रीमेंटल वे में छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड करते जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की तरफ हम मूव कर जाएंगे। अच्छा जी, अब ये प्रॉप्स का क्या? अच्छा, इतने कोड को मैं कमिट कर दूँ, मैं इसको बोल देता हूँ फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन और कमिट, सही है जी। अब इसमें आ जाता हूँ मैं, और इसमें आके मैं SRC के अंदर मैंने जो index.js की फाइल बनाई थी पहले उसमें आ जाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे हाई के अंदर कोई पैरामीटर इस वक्त मैंने नहीं लिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स, और प्रॉप्स लिखने के बाद क्या कर देता हूँ, ये मलिक जो लिखा हुआ था ना इसकी जगह पे ऐसे करली ब्रैकेट लगाऊंगा और मैंने कहा कि प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हाई पे आके मैं नेम का इनपुट यहाँ पे दे दूंगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया मलिक, ठीक है, आसान था, मुश्किल तो नहीं है, और इसको रन भी कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को, सही है। CD2.props में चला गया और मैंने कहा कि npm start, ठीक है जी। यहाँ पे स्टिल देखो मलिक लिखा हुआ रहा है, और प्रॉप में मैं इसको अगर कुछ और दूंगा, अगर यहाँ से मैंने कहा कि सैम दे दो इसको, तो यहाँ पे सैम लिखा हुआ आ जाता है। तो ये मेरा जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया, ये डायनेमिक हो गया। अच्छा, अब यार होपफुली अभी ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि ये डायनेमिक हुआ है तो ये क्यों हुआ है ऐसा, ये कैसे हो गया डायनेमिक, और इस तरह का जो डायनेमिक है इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। इस तरह के डायनेमिक होने से होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा हमें, इस तरह का डायनेमिक होने से हमें फ़ायदा क्या होगा, वो थोड़ी देर में मेक सेंस हो जाएगा, सही है इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको ज़रा इसी तरह से हम आर्टिकल को ज़रा आगे चलाते हैं यार। अच्छा, आर्टिकल मेरा कहाँ गए, ये है मेरा आर्टिकल। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसका मेक सेंस हो जाएगा कि ये क्या चक्कर है सारा। अच्छा, अब मेरे पास क्या है कि यार
मैंने इस तरह करके ना इस प्रॉप्स को पास कर दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि यार मल्टीपल प्रॉप्स ना ऐसे हम पास कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने दिया था ना वो दिया था कि यार नेम इक्वल्स टू और आगे लगा दिया था मलिक। कह रहे यार ऐसे आप ट्रू फॉल्स भी पास कर सकते हो, नंबर भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो और कोई फंक्शन भी पास कर सकते हो। लेकिन अभी हम उधर नहीं जाते, अभी हम उसको अभी अभी रुक जाते हैं, सही है, अभी हम वापस आ जाते हैं, अभी हम यहीं तक रहते हैं। और यहाँ तक रहते हुए हम एक छोटी सी एक प्रैक्टिकल चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे मेक सेंस हो जाए कि यार ये डायनेमिक जो हुआ है ये हुआ क्या है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, आया कि ये डायनेमिक जो हुआ है इसका कोई सेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा। अच्छा, इसके लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि यार कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो आ जाते हैं हम गूगल पे और यहाँ पे आके लिख देते हैं हम फेसबुक और एंटर कर देते हैं और आ जाते हैं हम इमेजेस में, सही है। अरे यार अपना ही पेज खोल देता हूँ मैं, सही है, मैंने फेसबुक एक्चुअल वाला ही खोल दिया। अरे यार बस इसीलिए नहीं खोलता हूँ मैं, जब भी खोलो ना ये लॉगिन कर दो और ये कर दो वो कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ना ये लॉगिन वाली चीज़ों को हम उड़ा देते हैं, सही है, उड़ा दिया इसको, इसको उड़ा दिया मैंने और अब मेरे पास सिर्फ वो चीज़ आ गई है जो मुझे चाहिए। अब एक गौर से चीज़ देखो, बिल्कुल गौर से इसको समझोगे ना तो ये बात समझ आएगी, वरना कंपोनेंट अगर समझ नहीं आया ना तो रिएक्ट फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। रिएक्ट में कंपोनेंट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ रिएक्ट एप्लीकेशन, कंपोनेंट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। इस कार्ड को गौर से देखो, ये जो कार्ड है ना ये मेरा कर्सर देख रहे हो, यहाँ से ये कार्ड यहाँ से शुरू है और ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये एक इतना बड़ा कार्ड है चकोर। इस कार्ड को और से देखो, अच्छा अब नीचे आओ, अब इस कार्ड को देखो, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला वाला कार्ड था। और नीचे आओ, इस कार्ड को देखो, इस कार्ड को देखो, सिर्फ बीच का कंटेंट चेंज होता जा रहा है, कार्ड तो सारा वही है, एक जैसा है, कार्ड सारा एक जैसा है, बीच का कंटेंट सिर्फ चेंज होता जा रहा है। अब मैं जितना स्क्रॉल करता जाऊंगा सारे कार्ड एक जैसे हैं ये, ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि किसी के अंदर दरमियान में किसी दूसरे बंदे की पोस्ट नज़र आ रही है, किसी के अंदर क्या हो रहा है कि दरमियान में जो है उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट के साथ इमेज लगाने का भी ऑप्शन है, इमेज लगा हुआ है किसी में, कुछ पोस्ट के अंदर क्या है यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, कुछ में इमेजेस नज़र आ रही हैं सिर्फ, कुछ में इमेज और टेक्स्ट दोनों नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो कार्ड है वो क्या है, वो सेम है। हर पोस्ट के साथ ये लाइक और कमेंट का बटन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, और सब में मुझे ये लाइक का काउंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब में मुझे नीचे कमेंट्स दिख रहे हैं, सही है। तो ये असल में एक पोस्ट जो है ना, जो एक कार्ड है, एक कार्ड इज़ वन कंपोनेंट। अच्छा तो आपका जो असाइनमेंट है ना वो ये है कि अब ऐसा कार्ड आपने बना के लाना है अगली क्लास में। अच्छा कैसे बनेगा ऐसा कार्ड, आ जाओ बनाते हैं, हमारे पास अभी हैं 5 मिनट तो हैं हमारे पास। अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये हेलो को, चलो हेलो को छोड़ देते हैं, हेलो को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे ना, ये जो हमने इसको हाय को किया हुआ है, ये हाय का कंपोनेंट है, इसको नहीं करते अब हम बनाते हैं नया, सही है। अगर देखो एक फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है और इसको मैं कॉल नहीं कर रहा तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, तो इस फंक्शन को बना रहने देते हैं हम और हम क्या करते हैं एक नया बना लेते हैं यहाँ, और जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, पोस्ट रख देते हैं, सही है, क्योंकि फेसबुक की पोस्ट है, कार्ड भी रख सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ पे अब मैं कैसे कॉल करूँगा इसको, मैं करूँगा पोस्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह कि इसका नाम कैपिटल से स्टार्ट होगा पोस्ट, अगर मैं इसको स्मॉल से स्टार्ट करूँगा नहीं मुझे एरर देगा, ठीक है, समहाउ इन्होंने ये चीज़ डेवलप की हुई है इसके अंदर ना। अब ये कैपिटल इन्होंने क्यों रखा है, क्योंकि क्लास का नाम कैपिटल होता है, बहरहाल क्लास से इसका कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन फिर भी इसका नाम भाई कैपिटल है, ये रिएक्ट में रूल बनाया है इन्होंने। अच्छा तो ये पोस्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न पे आके मैंने एक डिफ बना दिया, सही है, रिटर्न मैंने एक डिफ बना दिया। अच्छा इस डिफ को मैं क्या कर देता हूँ, एक क्लास नेम दे देता हूँ, और क्लास नेम देने के बाद मैं क्या करता हूँ,
कहता हूँ कि जी ये ना मेरी एक फेसबुक पोस्ट है, ये मेरी सही है फेसबुक पोस्ट है मेरी। अच्छा फेसबुक पोस्ट मैंने जब इसको कह दिया तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको ऐसे करके एक रेंडर भी करवा दिया और यहाँ पे मैं एक H1 लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए लगा रहा हूँ H1 में। अगेन इस H1 को मैं हटाऊँगा और इसमें मैं लिख देता हूँ फेसबुक पोस्ट। सही है, आके देखते हैं कि ये आया कि इसी तरह से रेंडर हो रहा है स्क्रीन पर या नहीं हो रहा। रिफ्रेश किया मैंने, देखो फेसबुक पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ये H1 पे मैंने रेड किया हुआ था ना, वो रेड अभी भी है लगा हुआ, वो पिछले टाइम पे किया था मैंने। तो ये फेसबुक पोस्ट लिखा हुआ है, तो ये कंपोनेंट मेरे पास एक दफ़ा रेंडर हो रहा है। इस कंपोनेंट को मुझे चार दफ़ा रेंडर कराना है, कैसे कराऊंगा मैं इस कंपोनेंट को? मैं यहाँ पे जो कॉल कर रहा हूँ ना, मैं ये चार दफ़ा कॉल करता हूँ। सही है, अच्छा ऐसे में आया और एक पोस्ट यहाँ पे और लिख दी, एक पोस्ट और लिख दी और एक पोस्ट मैंने और लिख दी। टोटल मैंने चार दफ़ा इसको कॉल कर दिया। तो अब ये मुझे स्क्रीन पे कैसे नज़र आ जाएगा? चार दफ़ा नज़र आ जाएगा। अच्छा लेकिन इसके अंदर एक आपको एरर यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है यार पेरेंट एक होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक डिव में पैक कर देता हूँ। ठीक है, अभी रुक जाओ, रिएक्ट फ्रैगमेंट भी करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये कहता है यार पेरेंट एक होना चाहिए, तो मैंने डिव में इसको पैक कर दिया। ठीक है, और इसको अगर चेंज करना चाहूँ, मैं मल्टी लाइन में करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, अब नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने क्या कर दिया, चार दफ़ा इसको रेंडर करा दिया। यहाँ पे ये चार दफ़ा दिख गया यहाँ पे ये। अच्छा अब आ जाते हैं CSS में। ये मैं जस्ट मेक सेंस करने के लिए कर रहा हूँ कि कंपोनेंट मेक सेंस हो जाए आपको कि ये है क्या वाला। स्टाइल्स में आके और H1 पे ये जो लगाया था ना, इसको हटा देता हूँ, ये मुनासिब नहीं है। और ये पहले की लिखी हुई CSS भी हटा देता हूँ क्योंकि अब मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डॉट फेसबुक पोस्ट, और फेसबुक पोस्ट में मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ग्रे। सही है, बॉर्डर लगा दिया। आ जाओ, बॉर्डर दिख गया। अच्छा और क्या कर देता हूँ, मैं मार्जिन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार 0.5 rem। सही है, मार्जिन थोड़ा सा मैंने लगा दिया। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी मैं इसमें पैडिंग भी लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ पैडिंग जो है वो 0.5 rem पैडिंग हो गई भाई। ठीक है, अच्छा पैडिंग लगा दिया। शेडो लगा देता हूँ थोड़ा सा इसमें मैं, कैसे लगेगा शॉर्ट शेडो, बॉक्स शेडो और 1 pixel और इसमें मैं ग्रे ही लगा देता हूँ शेडो। चलो अच्छा 1 pixel तो बहुत छोटा बन गया, ज़रा 5 pixel करते हैं उसको। अरे क्या होता था इसका वो पैरामीटर, मैं भूल गया क्या होता था। तीसरा ब्लर होता है ना, तीसरा नहीं दिया मैंने उसको, तीनों ही 5 pixel। अच्छा ये तो 0-0 होगा ना, ये तो ये होता है पहला वाला कि टॉप बॉटम क्या करना है, और दूसरा वाला होता है लेफ्ट राइट कितना करना है। तो इसको मैंने 0-0 ही दे दिया और मैंने कहा 5 pixel। हाँ अब थोड़ा मेक सेंस लग रहा है, बॉर्डर के पीछे थोड़ा सा शेडो आ गया। ठीक है, साथ में मैं क्या लगा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस मे बी 15 pixel। ठीक है, बॉर्डर रेडियस लगा दिया मैंने, सही होता जा रहा है, मेक सेंस होता जा रहा है। अच्छा अब इसके अंदर आके ना, मैं फेसबुक पोस्ट में अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक फेसबुक पोस्ट के अंदर नाम होता है बंदे का। ठीक है, एक तो IMG होगी पहले, लेकिन चलो IMG को अभी मैं छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ यार H3 में ना बंदे का नाम आ रहा हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, डेट होती है एक, मैंने कहा स्पैन में ना मुझे डेट दे दो। ठीक है, मैंने कहा कि यार 3 July और 2023, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद क्या होता है, मेरे पास एक टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, एक टेक्स्ट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे आके ना टेक्स्ट कहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसी का एक पैराग्राफ में उठा कर कॉपी कर लेता हूँ कि जी ये मेरे पास क्या होगा, एक अदर टेक्स्ट हो गया। सही है, ये मेरे पास एक अदर टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट के बाद क्या होता है, बटन होते हैं।
सही है, बटन में एक पे लिखा हुआ होता है लाइक, एक पे लिखा हुआ होता है और दूसरे पे लिखा होता है शेयर। सही है बिल्कुल, फेसबुक जैसी पोस्ट बनती जा रही है थोड़ी थोड़ी करके, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एक अदद इस बटन से पहले एक इमेज भी हो सकता है पॉसिबली। सही है, तो मैंने कहा कि यार IMG, सही है। और IMG में मैंने SRC लगा के क्या दे दिया, कोई इमेज दे देता हूँ मैं इसमें आके। इमेज में कैसे दे दूँगा, यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ कार और कार की यहाँ पे से इमेज उठा लेता हूँ मैं। अच्छा स्टिल ये सही तरीका नहीं है इमेज लगाने का, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ तो मुझे टॉप पे यहाँ पे इसका एक्चुअल एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से इमेज लगाने का नुकसान ये होता है कि थोड़े दिनों में क्या होता है, इमेज ही एक्सपायर हो जाती है। ये URL जैसे ही एक्सपायर होगा तो वो आपकी इमेज फिर नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पर वापस, तो यहाँ पर देखो वो कार मुझे दिख गई। अच्छा इसका मैं ज़रा वो कम कर देता हूँ ना, विड्थ में कह देता हूँ कि यार 300 पिक्सल, 300। सही है, उसके बाद मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, लाइक का बटन साथ साथ ही आ जा रहा है इसके, तो मैं एक BR दे देता हूँ। हाँ वो JSX की अभी भी इंटेलिजेंस नहीं मिल रही, लेकिन फिलहाल अभी कंपोनेंट मेन चीज़ हमारा जो है ना, अभी वो जो मेन फोकस है हमारा। ठीक है, देखो बिल्कुल फेसबुक की पोस्ट बन गई। अच्छा अब तुम लोगों का काम ये है कि ऐसी फेसबुक की पोस्ट बना के लाओगे, ठीक है, और स्टाइलिंग अच्छे से करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम फेसबुक का जैसा स्टाइल है ना, सेम टू सेम वैसा ही स्टाइल करना है, बटन्स में भी, आउटलाइन में भी, बॉर्डर में भी, हर चीज़ में। अब लेकिन ये डायनेमिक तो नहीं है अभी, दिस कंपोनेंट इज़ नॉट अ डायनेमिक कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, हर ज़ाहिर हर पोस्ट का टेक्स्ट अलग होगा, हर पोस्ट का नाम अलग होगा, हर पोस्ट की इमेज अलग होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हर पोस्ट के अंदर बंदे का नाम लूँगा पैरामीटर में, सही है, और हर में अलग अलग मैं नाम पास करूंगा यहाँ पे। तो एक में मैंने कर दिया मलिक, सही है, एक में मैंने कर दिया जॉन, सही है। अब और यहाँ जहाँ पे मैं नेम डिस्प्ले करवाता था, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब प्रॉप्स डॉट नेम कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉप्स भी ले लूँगा मैं। देखो अब जिसमें जॉन लिखा हुआ था जॉन आ गया, इसमें मलिक लिखा हुआ था मलिक आ गया, सही है। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट भी ले लूँगा जी। ठीक है, जो भी पोस्ट का टेक्स्ट है, जिस नाम से लूँगा उसी नाम से मुझे वहाँ मिल रहा होगा। और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगा, कुछ ना कुछ अब मैं ऐसे टेक्स्ट पास कर दूँगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इमेज URL भी दे दूँगा, सही है। और इमेज URL की जगह पर मैं ये कार वाला है ना, ये कार का URL था ना, सही है, पहले वाले में मैंने ये कार का URL दे दिया, सही है। कहाँ गई मेरी वो ऐप, हाँ ये है ना। अच्छा पहले वाले में मैंने कार का URL दे दिया, और यहाँ पे जाके अब मैं जो इमेज है ना मेरी, उसमें मैं SRC अब क्या करूँगा, SRC मैं प्रॉप से उठा के डालूँगा इसमें। मैं बोलूँगा भाई प्रॉप्स डॉट इमेज URL, IMG URL था, इमेज था, सही है, IMG URL आ गया। अच्छा अब मैं ज़रा कोई दूसरी कार्स की भी फ़ोटो उठा लेता हूँ यहाँ से, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गया, सही है। एक मैंने दूसरा URL उठाया, अगली पोस्ट में मैंने एक दूसरा URL दे दिया, सही है। अब मैं जाके देखूँगा तो अगली पोस्ट में देखो वो वाला कार प्रिंट हो गया, सही है। और तीसरी पोस्ट में मैं क्या करूँगा, एक तीसरी कार का यहाँ पे ओपन इमेज न्यू टैब, अच्छा ये वो दूसरे फॉर्मेट में, ये URL वाला नहीं है, ये वो वाला है डेटा इमेज वाला है ये, सही है। एक मैंने ये उठा ली कार, ये इधर पेस्ट कर दिया मैंने, और चौथे के लिए मैं एक चौथी कार उठा लेता हूँ, ये भी डेटा वाला है, ठीक है जी।
ये चार मेरे पास जो है ना कंपोनेंट रेंडर हुए हैं और चार अलग अलग पैरामीटर्स के साथ रेंडर हुए हैं, और बिल्कुल ये फेसबुक वाली जो हमने चीज़ थी ना वो रिफ्लेक्ट कर दी है। अब होता क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पे आके ना देखो, अभी ये जॉन लिखा हुआ है ना, इसके साथ मुझे एक प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है गोल करके अच्छी सी दिखानी है, तो वो मैं क्या करूँगा, एक ही दफ़ा कोड लिखूँगा उसका अपने कंपोनेंट के अंदर और वो चारों दफ़ा वही रेंडर होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कंडीशन लगाऊँगा, अभी कंडीशन लगाना हमने सीखा नहीं है, सीखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, कि अगर इमेज है तो उसको डिस्प्ले कराओ, अदरवाइज इमेज ना डिस्प्ले कराओ, यही होता है ना फेसबुक में। अगर इमेज की जगह वीडियो है तो उसको ऐसा डिस्प्ले कराओ, अगर इमेज है तो ऐसा डिस्प्ले कराओ, कंडीशन लगाएंगे, कंपोनेंट एक ही रहेगा। और ये कंपोनेंट, इसको कहते हैं डायनेमिक कंपोनेंट। सब लोगों को मेक सेंस हो गया कि डायनेमिक कंपोनेंट क्या भला है, ठीक है। अब क्या होता था पहले कि हम ये सारे इतने सारे टैग्स लिखते थे, अब हम पोस्ट को बनाने के लिए सिर्फ ये पोस्ट का एक ही टैग लिखेंगे और प्रॉप्स पास करेंगे, पोस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। आपको क्या करना है, ये जो फेसबुक की पोस्ट है ना ऐसी, इसका बॉर्डर, इसका कलर, इसका ये इमेज का साइज और इसका ये नाम का जो स्टाइल है, फॉन्ट का जो स्टाइल है, ईच एंड एवरीथिंग आपको कॉपी करनी है। और एक जब अगली क्लास में आप आएंगे तो आपके पास एक URL होगा जो कि फायरबेस पे होस्ट हुआ हुआ होगा। अच्छा, इसको होस्टिंग अब कैसे करेंगे, होस्टिंग करने का वही आसान सा तरीका है, npm run build चलाऊंगा, वो build का फोल्डर बन जाएगा जो हमने लास्ट अभी किया था, npm run build चला के, और उसको फिर हम फायरबेस पे भी होस्ट कर सकते हैं, कहीं और भी होस्ट कर सकते हैं। तो ये कोड मैं इतना पुश कर देता हूँ, तो जब आप अगली क्लास में आएंगे तो आपके पास एक URL होगा, उस URL को जब मैं ओपन करूँगा तो मुझे चार या पाँच फेसबुक की पोस्ट दिख रही होगी, और उन चार या पाँच फेसबुक की पोस्ट के अंदर क्या होगा, अलग अलग कॉन्टेंट होगा। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा हमारा जो हम करने वाले हैं, वो मैं अभी से बता दूं, हम अब करेंगे एक API कॉल, ट्विटर की पब्लिक API हम कॉल करेंगे, तो ट्विटर की जो ट्रेंडिंग पोस्ट है वो उठ के आ जाएगी किस में, JSON फॉर्मेट में, और हम उसका डेटा इस कंपोनेंट में डालेंगे और सारी ट्वीट ऐसे सीधा रेंडर हो, या फेसबुक की API कॉल कर लेंगे हम, सही है, या कोई भी ऐसी रैंडम कॉल, बहुत सारी APIs हैं जहाँ पे से हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट मिल जाएगी, वो हम API कॉल करेंगे, वो डेटा आएगा, उस JSON में नाम होगा, उस टाइटल होगा, इमेज URL होगा, रेडिट की API मौजूद है, पब्लिक है वो, उसको हम कॉल करेंगे, उसमें भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो रेडिट भी बिल्कुल फेसबुक की तरह की एक चीज़ है, तो वो क्या होगा, लाइन से वो सारी पोस्ट मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगी, किसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगी, इस एक कंपोनेंट के अंदर, पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग जो है ना ये करके लाएंगे, ठीक है जी, कोई किसी का सवाल तो नहीं है, चलो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।